पुलवामा हमले की बरसी पर राहुल का विवादित ट्वीट सामने आया है। पुलवामा हमले पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। पुलवामा हमले की जांच में क्या कुछ निकला है, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। आतंकी हमले में किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, राहुल ने ये भी कहा है और ये सारी बातें उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट करके कहा है। राहुल ने लिखा है कि आज जब हम पुलवामा अटैक में मारे गए अपने 40 सीआरपीएफ शहीदों को याद करते हैं तो हम पूछे किस हमले से सबसे ज्यादा किसे फायदा हुआ है, हमले में जांच का परिणाम क्या है, क्या बीजेपी सरकार ने अभी तक हमले हुई सुरक्षा चूक का जिम्मेदार किसे माना है। लगातार वो निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी, जिनके ट्वीट से साफ देखा जा सकता है कि वो सरकार पर निशाना साध रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इसके जिम्मेदार कौन है। और अमित दुबे हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, चलिए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ पुलवामा अटैक को लेकर जो तमाम बयानबाजी चल रही है उसका क्या कुछ मतलब निकाला जाए। अमित, जिस तरीके से राहुल गांधी भी ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार विपक्षी दल भी घेर रहे हैं सरकार को, तो ऐसे में इन बातों का क्या मतलब निकाला जाए कि किसी को भी गुनाहगार अभी तक नहीं बनाया गया है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि जो पहला राहुल गांधी का क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने पूछा है कि आखिर इस पुलवामा अटैक से किसे फायदा हुआ, तो जाहिर तौर पे इस तरह का राजनीतिक बयान है और ये बयान अभी नहीं हुआ जब पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद लोकसभा चुनाव होने वाले थे, उस समय भी कई सवाल इसे लेके दागे गए थे कि क्या पुलवामा अटैक का सच क्या है और इससे किसे फायदा होने वाला है, क्योंकि विपक्ष लगातार जो है कहीं ना कहीं इस अटैक पे सवालिया निशान खड़े कर रहा था। लेकिन जो दूसरे और तीसरे ट्वीट है वो जाहिर तौर पे आम लोग भी कहीं ना कहीं सरकार से जानना चाहते थे कि आखिर सरकार ने जो जांच कमेटी गठित की थी उस जांच कमेटी का क्या हुआ, आखिर जो जांच की गई थी वो जांच कहाँ तक पहुँची, लोगों के बीच सार्वजनिक क्यों नहीं की गई, कौन लोग खासतौर पर इस अटैक के लिए जिम्मेदार थे, कौन गुनहगार थे, उन्हें लेके क्या सजा हुई है। अब तक जो है सरकार इस तरह की चीज़ों को सार्वजनिक नहीं कर पाई। और तीसरी बड़ी चीज़ यहाँ पे कि खासतौर पर जिस तरह से चाहे सोशल मीडिया की बात करें, वही चीज़ राहुल गांधी के ट्वीट में भी दिखाई पड़ रही थी कि जो पुलवामा अटैक में जो जवान शहीद हुए थे उन्हें जो मदद मिलने वाली थी, जो उनके नाम पे जो फंड आया था, उन सबकी वो सब कहाँ है और आखिर लोग उस बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर मामले की जांच कहाँ तक पहुँची, सरकार आखिर पूरे मामले की कोई भी मंत्री ऐसा सामने क्यों नहीं आया जो हमले की नैतिक जिम्मेदारी ले, क्योंकि एक साल होने के बावजूद आज खुद प्रधानमंत्री जो है शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुँचे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश जो है उनकी शहादत को भूल नहीं सकेगा। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी का ट्वीट आया उसे लेकर ना प्रधानमंत्री ना बीजेपी के किसी भी नेता ने अब तक कोई टिप्पणी की है। जी बिल्कुल, खास बात ये रहेगी, देखने में भी नजर इस पे बनी रहनी चाहिए कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने तीन सवाल पूछते हुए लगातार ट्वीट किए हैं, विपक्ष पर हमला बोला है, ऐसे में विपक्षियों का क्या कुछ प्रतिक्रिया आता है या उस ट्वीट पे क्या कुछ कमेंट आता है, क्या किसी की कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई है क्या, या उसी के कांग्रेसी नेता के किसी के भी कोई किसी का कोई ट्वीट आया है क्या। आप इस पे बने रहिए, नजर बनाए रहिए उनके ट्विटर पे। पर इस वक्त हमारे साथ अनिला सिंह जुड़ी हुई है, बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पे बनी हुई। अनिला जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका R9 टीवी में। जिस तरीके से राहुल गांधी ने तीन सवाल दागे हैं बीजेपी पर, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? नहीं, राहुल गांधी तो लगातार सवाल दागते रहते हैं, परंतु दुर्भाग्य ये है कि आज एक ऐसा दिन जब इन सिपाहियों जो ये सिपाही है उन्होंने अपनी जान जो है हमारे देश के लिए दे दी जी। और ये सवाल उठा रहे हैं, शायद ये समझ ही नहीं पाते हैं कि देश प्रेम क्या होता है और जो सिपाही होते हैं उनके दिल में भावनाएं क्या होती हैं। तो मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ राहुल गांधी और उनकी पार्टी से कि माना कि आपने देश जो है एक बार नहीं 100 बार बेचा होगा, 1947 से लेकर आज तक हम देखते आ रहे हैं, बस राजनीति करनी है करो, हम खड़े हैं मैदान में, खूब करो राजनीति जितनी करनी है, परंतु जो हमारे सिपाही हैं जो हमारी फौज है उसको राजनीति में घसीटना बंद करो। अगर समझ में नहीं आता है तो जाकर समझो, किसी से भी पाठ पढ़ लो, परंतु इस तरीके के उच्चे सवाल जब आप करोगे कि इनकी जाने कैसे गई क्यों गई, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं हंसूं आपके ऊपर या आपकी बुद्धि पे केवल तरस खाऊं। क्योंकि ये देखिए, ये हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है, ये हमारी फौज है, ठीक है, और इनका एक पूरा अपना एक प्रोसेस से चलते हैं।
आपको लगता है कि कहीं कुछ इस तरीके से होता तो जो इनका एक जो प्रोसेस है उसको फॉलो करके इन्वेस्टिगेशन होकर सारे नतीजे निकलते, वो ना निकलते जी, हम अपने सिपाहियों को ही मरवा देंगे। मैं इनको केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि जो सिपाही होता है उसकी उसके जज्बात समझो, उसके मन में एक ही चीज होती है कि फिजाए मुल्क होना हासिल ही किस्मत समझते, वतन पर जान देने को ही हम जन्नत समझते। तो वो वतन पे जब जान देते हैं वो सोचते हैं हम जन्नत पा गए हैं, पर ये राजनीति के लिए कुछ किसी भी हद तक गिर सकते हैं राहुल गांधी। अनिला जी, आपने ये तो बिल्कुल सही कहा कि ये पहला मौका नहीं है। राहुल गांधी ने पुलवामा अटैक को लेकर कई बार सवाल दाग चुके हैं सरकार पर जिस तरीके से उन्होंने आज एक सवाल अपने तीसरे ट्वीट पे ये पूछा है कि जांच में क्या कुछ निकला, इस पे आप क्या कहेंगी? मैं वही कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी मैं क्या करूं, आपकी बुद्धि पर हंसू या तरस खाऊं कि अब समझ में आता है कि कांग्रेस जो दिन प्रतिदिन जो है खत्म होती चली जा रही है वो किस लिए खत्म होती जा रही है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, चाहे वो पुलिस फोर्स हो चाहे वो डिफेंस फोर्स हो, ये अपने एक प्रोसेस से चलते हैं, ठीक है। उसको भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी या बीएसपी एसपी टीएमसी नहीं चलाते हैं, इनका एक अपना खुद का प्रोसेस होता है। कुछ भी अगर अच्छा हो चाहे बुरा हो उसके इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, रिपोर्ट सबमिट की जाती हैं, तो सारी चीजें होती हैं। इस जी बिल्कुल अनिला जी, बहुत बहुत आपकी बुद्धि पे तरस आता है मुझे। जी बिल्कुल अनिला जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे साथ मीम अफजल कांग्रेसी नेता भी हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए। मीम अफजल जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका R9 टीवी में। जिस तरीके से राहुल गांधी ने ट्वीट किया है इसको आप क्या कहेंगे, क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि इस ट्वीट पे मैं हंसू या क्या कहूं, इस पे आप क्या जवाब देना चाहेंगे? राहुल गांधी का ट्वीट कहीं ना कहीं निंदनीय है क्योंकि आज के दिन वो इस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं। आज 14 फरवरी है, आज के दिन पुलवामा अटैक हुआ था। लगता है संपर्क टूट गया, तो बता दूं आपको कि आज पुलवामा हमले पर राहुल गांधी ने जबरदस्त ट्वीट किया है जिसपे तीन सवाल राहुल गांधी ने विपक्ष के ऊपर दागे हैं। आतंकी हमले में किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, ऐसा राहुल गांधी का पूछना है। पुलवामा हमले की बरसी पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने विवादित टिप्पणी दी है उसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। तीन सवाल राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में पूछे हैं सरकार से, और सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पे ये है कि इस आतंकी हमले से किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। वैसे राहुल गांधी लगातार ट्वीट करते हुए नजर आते हैं, विपक्षियों को निशाना साधते हुए नजर आते हैं, पर सवाल उठा रहे हैं और फायदे के बारे में पूछ रहे हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को तुरंत क्षमा मांगनी चाहिए, और अगर राहुल गांधी जी में ये साहस नहीं है तो मैं कांग्रेस अध्यक्षा से ये डिमांड करता हूं कि अध्यक्ष के नाते सोनिया गांधी जी पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर क्षमा याचना करें। सी एज फार एज मिस्टर राहुल गांधी इज कंसर्न, टुडेज शेमफुल कॉमेंट ऑफ मिस्टर राहुल गांधी शोज दैट